हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और मेरे साथ हैं आज अवनीश। आज दो दो अवनीश यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अवनीश हमारे मेंस के बैच में थे और इनके बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने को मिलते थे, तो इनका नाम याद रहता था हमेशा कि एक लड़का है बलिया से। वो बोलता था कि सर आपके चरणों में प्रणाम, सादर प्रणाम बलिया से। तो सुनने में अच्छा लगता था वो चीज़ें। तो इन्होंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, MBS मिला है मुझे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के कि हाँ, लड़के ने मेहनत करी है और जो चाहते थे, जितने फेस देखे हैं फेलियर के लाइफ में इन्होंने, शायद ही किसी ने देखे होंगे इतने, कि हर तरह से, मतलब फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी। तो बहुत कुछ मोटिवेशन मिलेगा इनसे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई आपको कि आप लाइफ में और भी अच्छा करते जाएं। और ये तो बस एक सीढ़ी है जो जिसकी आपको तलाश थी, अब वो दिख गई है आपको, उस पर चढ़ के आगे जाना है, बढ़ते रहना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी फीलिंग है, हाउ इट इज फील? सर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो कितने साल की जर्नी है ये? सर 2016 के पास आउट है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग टाउन पॉलिटेक्निक बलिया से, और उसके बाद इस बार पहला सिलेक्शन हुआ है 2023 में। 7 साल सर लगा। 7 साल, 7 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। तो बीच में बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे। जी सर, लगभग सर 30+ एग्जाम में हम फेल हुए हैं। लगभग एक UP SSSC का एग्जाम JEE का हुआ था, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं, और दूसरा एग्जाम इसमें सर। तो उसमें चांसेस हैं कि उसमें हो जाएगा? हाँ देखते हैं। यस सर, अभी 100% नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा लड़कों को डीबी के लिए बुलाया है। मतलब इतने फेलियर दिखे होते हैं ना लाइफ में, तो अब कुछ भी सर्टेन नहीं लगता है कि हाँ, बस जब हो जाएगा तब पता चल जाएगा कि हुआ है या नहीं हुआ है। अभी भी सर हमको डर लग रहा है कि ज्वाइन सफलतापूर्वक कर ले, ऐसा मिलने लगे तब पूरा श्योर होंगे। अच्छा अच्छा। तो अवनीश, जैसे कि स्टार्टिंग में जब आपने 2016 में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था, तो उसके बाद आपने SSC की प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? सर जब हम पास आउट हुए, तो उस टाइम जो हमारे सीनियर थे, एक राहुल गुप्ता सर करके थे, तो उनका SSC निकला था, फिर स्टेट PWD में हो गए थे। तो उन लोगों को मतलब हम लोग अपना आइडियल मानते थे, तो हम लोग अपने से मतलब वो भी अपने से पढ़ के निकाले थे, तो हम लोग अपने से ही मतलब तैयारी किए, घर पे ही अपने प्रीवियस ईयर लगाते थे, अपना हैंडबुक पढ़ते थे। लेकिन सर जब 2-3 साल दिए और फिर कट ऑफ से 10-10, 12-12 नंबर दूर रहते थे, तो ऐसा लगा कि कमी है, टेक्निकल में ज़्यादा कमी है। तो उसके बाद फिर हम इलाहाबाद गए 2018 में, 2 साल बलिया में तैयारी की सर, और वहाँ पे जाके कोचिंग किए, एक्सीलेंट विजन करके कोचिंग है सर, वहाँ पे पूरा नोट्स बना लिए हम। और उसके बाद 1 साल वहाँ पे रहे, क्योंकि सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, बैकग्राउंड हमारा क्योंकि बहुत ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है, तो फिर हम आ गए बलिया आ गए सर, और उसी नोट्स सब देख के, और प्री का सर प्रीवियस ईयर लगाते थे और एग्जाम देते थे, लेकिन फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा असफलता मिला, क्योंकि बस एक ही मतलब मेन हमारा था कि सर 5-20 सीट आता था JEE के लिए, तो हम परीक्षा देने जाते थे, मतलब ये था। और जैसे आपने पहले कोचिंग नहीं की थी, फिर आपने जाके कोचिंग की, तो यस सर, फिर आपको ये लगा था कि चलो कोचिंग कर लेंगे तो जो नंबर बच रहे हैं आपके 10-12 नंबर 20 नंबर वो कवर हो जाएंगे। यस सर, बट वो भी कवर नहीं हो पाए। नहीं सर बिल्कुल नहीं, मतलब सुधार हुआ, पहले से ज्यादा नंबर आता था, लेकिन फिर भी मतलब नहीं सिलेक्शन, कट ऑफ हर साल बढ़ती जाती थी, बच्चे और पढ़ना स्टार्ट हो जाते थे। हाँ सर। तो कैसा रहा वहाँ पे जब आपने कोचिंग किया इलाहाबाद में? वहाँ पे कोचिंग किए तो सर वहाँ पे टीचर अच्छे थे, अच्छे पढ़ाए उन लोगों ने, जो भी नोट्स बनाया उन लोगों का अच्छा था, लेकिन निश्चित ही हम थोड़ा मुझे मतलब कमी जरूर हमें थी। और उस टाइम सर एक्चुअली हमारे जो हमारी फैमिली है उसमें थोड़ा सर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब घरेलू समस्या थी कुछ, हाँ फाइनेंशियल, और सर थोड़ा मानसिक रूप से भी बहुत हम परेशान थे, तो इस वजह से इफेक्टिवली हम मतलब मेहनत नहीं कर पा रहे थे। तो फिर आप बलिया वापस आ गए, तो फिर लोगों ने आपसे कहा होगा कि कोचिंग करने गया था वापस आ गया? हाँ बहुत सर, बहुत इतना मतलब झेले हैं सर कि मतलब जिसका सीमा नहीं है, और जितने भी बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, निश्चित ही सभी लड़कों के संघर्ष की कहानी अपने में अनोखी है, अजीब है, लेकिन सर मेरा बहुत सर बहुत दिक्कत है, हम मतलब कभी 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 इतना सर डिप्रेस हो जाते थे कि मतलब लग रहा था कि अब छोड़ देंगे, लेकिन फिर सोचते थे कि नहीं, लड़के बच्चे बच्चों का उम्मीद है, अगर हमारा नहीं होगा फिर और लड़के डिमोटिवेट होंगे,
जैसे आपने बताया कि आपने पढ़ाया भी है 2 साल के करीब स्टार्टिंग में। जी सर, हम 2015 से 2018 तक पढ़ाए हैं और डिप्लोमा हम थर्ड ईयर में थे तभी से पढ़ा रहे थे, मतलब सेकंड ईयर में थे तभी से सर। तो ऐसा हुआ कि बच्चे पूछते हैं आपसे कि सर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, हाँ, तो फिर वो कैसे हैंडल किया आपने कि सर उस मतलब जैसे हम बता रहे थे 18 तक हम पढ़ाए, हम थर्ड ईयर तक के बच्चों को पढ़ाते थे, आरसीसी पढ़ाते थे और हाइड्रोलिक्स पढ़ाते थे और ऐसे करके पढ़ाते थे, तो लड़के जैसे पास आउट होते थे तो फिर बोलते थे कि सर आपका अभी तक नहीं हुआ, आप 2 साल पहले के पास आउट हैं, हम लोग मतलब क्या तैयारी करें कि हम लोग प्राइवेट में जाए। तो सर हमको मतलब लगता था ऐसे कि लग रहा है कि हम बच्चों के उम्मीद पे हम खड़े नहीं हैं, तो फिर यही सोच के हम कोचिंग बंद करके हम इलाहाबाद चले गए। फिर दोबारा आए और बच्चे सर हमेशा जो बच्चे जूनियर जुड़े होते हैं जिस सीनियर से अच्छे से सीनियर से बात करते हैं, तो फिर बच्चे फोन करते थे तो फिर हम कहते थे कि होगा, लगे रहो, आपका भी होगा हमारा भी होगा। और फिर सर बच्चों सबसे मेन योगदान सर इसमें मेरे मम्मी पापा का है, जिन्होंने बस वो एहसास नहीं होने दिया कि मतलब तुम कमजोर हो या तुमको नौकरी करना है, प्राइवेट में जाओ करो, और बाकी सर लेके बच्चों को भी थोड़ा देखे और हम मेहनत करते रहे। इस बार थोड़ा जो भी कमियां थी देख के इस बार और ज्यादा मेहनत किए तो प्री में 6 नंबर आए। जैसे तो आपने पहले प्री भी दिया होंगे, कई बार दिए होंगे प्री, तो कहाँ पे दिक्कत रह जाती थी कि प्री में पास हुए थे या फिर मेंस पहली बार दिया है, पहले भी दिया है मेंस कई बार? नहीं सर, मेंस इस बार पहली बार दिया है और मेरी समझ से मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग जो नॉन टेक वाला पोर्शन है सर, क्योंकि टेक्निकल वाले पोर्शन में मेरे पहले भी 60 के समथिंग नंबर आता था पहले, और इस बार सर 65 नंबर आए हैं, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कहेंगे, लेकिन पहले रीजनिंग 32 आता था, इस बार मेरा 45 नंबर है रीजनिंग में, और जीएस में सर मेरा 10-12 आता था, इस बार मेरा 17-18 नंबर है, तो नॉन-टेक वाला पोर्शन सर इस बार प्रभावी हुआ मेरे लिए। तो प्री और इस बार तैयारी में गए थे कि हम टारगेट बना के गए थे कि रीजनिंग 50 में 50 कर गया ना है कुछ भी हो, तो मतलब आपका पहला मेंस था और पहली बार में मेंस क्लियर हो गया, आपने फर्स्ट टाइम मेंस दिया और निकल गया। इस बार ये हुआ था कि नहीं निकल रहा है, प्री 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया? सर प्री का जब रहा मार्क आया तो मेरा लगभग 118 नंबर के समथिंग था, तो उसके बाद जो साथी थे 8-10 लड़के जो हम मतलब हमारे साथ के जो अच्छे पढ़ने वाले थे, तो सबसे बात किए तो वो लोग बोले कि मेंस का तुम तैयारी करो, एक और हमारे साथी थे तरुण यादव, तो वो भी बोले कि हम भी लेंगे, और हम दोनों लोग सर वही हमको सजेस्ट किए कि एवर एग्जाम का उन्हीं सर अच्छा मतलब वो मेंस के लिए वो बेस्ट है, क्योंकि हमको सर जाना नहीं था कहीं, हम फाइनेंशियल मेरा प्रॉब्लम था, हम इलाहाबाद जा नहीं सकते थे, दिल्ली जा नहीं सकते थे, हमको तो ऑनलाइन ही बैच लेना था, तो हम सर उसी टाइम जाया था, उस टाइम सर लगभग आपका 15 नवंबर सर 2-3 दिसंबर को अनाउंस किए थे सर आप, और हम पहला मतलब पहले ही बैच ले लिए थे, लगभग 10-12 बच्चों में ही लिए होंगे तभी हम ले लिए थे सर, और 8 दिसंबर से सर आपका क्लास चालू हुआ तो हम करते थे मतलब रेगुलर, हम उसके बाद क्लास करने लगे। तो मेंस मतलब आपने पहले प्री में नाम नहीं सुना था एग्जाम का या मेंस में सुना था बस मेंस के बारे में? जी सर मेंस में प्री में सर आपका एक बैच लिए थे हम पिछले साल 15 अगस्त के टाइम आपका एक कोई बैच आया था 1 रुपया में सर, फाउंडेशन वो भी हाँ सर फाउंडेशन बैच, उसका सर फीस लगभग उस टाइम 2500 रुपया शायद था लगभग, तो वो भी तरुण जी बताए थे कि ले लो इसको, तो सर 1 रुपया का वो भी बैच लिए थे हम, तो उसमें सर मतलब बहुत ज्यादा देखे थे, लगभग लगभग 50-60 घंटे का वीडियो देखे थे सर उससे। अच्छा, तो मेंस आपने पूरा उस टाइम सर बस वही सब्जेक्ट देते थे जो हमको दिक्कत था, जैसे जो वीक पॉइंट था तो जाके सर को लेक्चर देते थे। और मेंस आपने पूरा किया है, जितने लेक्चर सर ने पढ़ाए हैं सब कुछ किया है? हाँ सर, मेंस के लिए सर मैं यही कहूंगा कि सर जितना मतलब मिला है मुझको सर, आप और सौरभ सर मतलब मतलब जितना आप लोग गाइड किए हैं, अगर सर उतना उसका मैं केवल सर 80% किया, अगर मैं उतना कर देता सर तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि CPWD मुझे मिलता, रैंक का तो मैं कोई भी नहीं कह सकता है बंदा कि मेरा कितना रैंक आएगा, लेकिन इतना तो गारंटी था कि सर CPWD मिलता, क्योंकि सर मतलब कंटेंट सर मोर देन एनफ था, और जितना सर वीडियो क्लास पढ़ा कराया गया है सब मैं देखा हूँ और सभी सवाल को लगाया हूँ, गलती मेरे से सर मैं टेस्ट नहीं दिया हूँ सर, ये सबसे बड़ा मेरा मतलब मिस्टेक, क्योंकि सर आप मतलब आप लोग बोलते थे कि टेस्ट इम्पोर्टेंट है,
और हम सोच रहे थे कि तैयारी एक बार तैयारी अच्छे से कर ले फिर टेस्ट देंगे, और ऐसे करते करते टाइम सर बीत गया। तैयारी कभी होती नहीं है ना, कंप्लीट तो कभी होती नहीं तैयारी। तो यही मेरा सबसे बड़ा मतलब मिस्टेक हुआ जैसे सीपीडब्ल्यूडी से। तो अवनीश जैसे कि 7 साल लगे हैं कंप्लीट होने में, तो हाउ इट इज फील कि जब पहली बार अपना रिजल्ट देखा, नाम देखा, फिर घर वालों को बताया होगा कि हाँ अब फाइनली हो गया है, तो कैसी फीलिंग थी? सर रिजल्ट मेरा तरुण जी हमारे दोस्त हैं वही देख के हमको बताए, तो हमें लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, फिर हम स्क्रीन शॉट लेके हमको भेजे, फिर हम देखे तो फिर मम्मी को बताए। सर मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे कि मेरे आँख के सामने एक साइड रिजल्ट था और दूसरे साइड सर 7 साल में जितना संघर्ष किया, जितने लोगों ने मुझे मतलब कमेंट किया, उल्टा बोला या मजा लिया था सर की होगा होगा नहीं इसका खत्म कहानी इसका टाटा बाय बाय, सर पूरा मतलब सब एक साइड आँख से मतलब हाईलाइट की तरह चल रहा था सर, मतलब एक तरह से मतलब निःशब्द था सर, मतलब लगभग 2-4 घंटा तो सर मुझको खुद समझ नहीं आ रहा है कि मतलब एक अद्भुत एहसास वो सर केवल मेहनत से ही मिलेगा, वो किसी को कोई 1 करोड़ भी फ्री में मिल जाए तो वो सर नहीं मिलेगा, मतलब वो चीज नहीं। एक अच्छी फीलिंग होती है ना, एक होता है संघर्ष के बाद जब मिलते हैं ना चीजें कि हम उसकी चाहत थी हमें और वो मिल गई हमें, तो वो बहुत बड़ी फीलिंग होती है वो। और सबसे सबसे मेन सर मतलब हमारे साथ के जैसे बहुत से बच्चे हमारे साथ ही डिप्लोमा करने वाले वो लोग सर यूपी पुलिस में हो गए और हमारा लेट हो रहा था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम भी पुलिस हो जाते, लेकिन हम नहीं दिए थे सर, एक भी बार नहीं दिए थे, तो बीच बीच में हमें लगता था कि हम गलत किए, वो भी लड़के ठीक हैं, लेकिन रिजल्ट आया तो सर ऐसा लगा कि नहीं हम ठीक हैं, हम पुलिस का फार्म नहीं भरे, बहुत अच्छा किए, मिला लेट से मिला लेकिन बहुत अच्छा मिला सर। वही चीज है कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। हाँ। अब जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि बच्चे जब आने वाले होंगे अब उनका अभी एग्जाम है, तो प्री के लिए उनको क्या गाइडेंस देनी चाहिए, कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कब कितना पढ़ा, कितने टेस्ट लगाए आपने, सब बताइए आप। सर प्री के लिए सबसे मेन मेन जो भी बच्चे हैं मैं यही कहना चाहूंगा कि उनका पहला टारगेट सर फर्स्ट टारगेट की रीजनिंग होना चाहिए, और इस प्रकार से उनको मतलब करना चाहिए कि उनका टारगेट 50/50 हो, क्योंकि 50/50 टारगेट करेंगे तभी 45 मतलब 40 प्लस आएगा नंबर। और उसके बाद टेक्निकल टेक्निकल की सर प्री में मेरे समझ से सब कुछ पढ़ना इम्पोर्टेंट है, एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ने से। तो क्या क्या सोर्स आपने यूज किए थे अपने प्री के लिए? प्री के लिए सर मेरा सोर्स था एक यूथ कंपटीशन का आता है 15,000 का, उसको पूरा लगा लिया था सर। ठीक है। और उसके बाद सर गुप्ता एंड गुप्ता लगाया था, लेकिन उसको हर बार नहीं लगाते हैं, उसको एक दो बार लगा के छोड़ दिए हैं, हर बार में यूथ कंपटीशन लगाते हैं, RS कुर्मी को लगाते हैं सर। और उसके बाद एक 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 हैंडबुक करके है कोई ऑनलाइनर करके सिविल हैंडबुक बाय राशिद खान सर का, केवल ऑनलाइनर लिखा हिंदी में है सर, तो उसको उसको पढ़ के जाते हैं अपना अपने नोट। तो यूट्यूब से आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी प्री के लिए? प्री के लिए सर यूट्यूब से मतलब हमें मतलब हम सर नहीं किए हैं, क्योंकि मतलब टाइम ज्यादा थोड़ा लगता है, ज्यादा समय में थोड़ा कम, इसलिए हम बुक से ही ज्यादा पढ़े। अच्छा, मतलब बुक से ज्यादा स्टडी करी है, ये नहीं कि यूट्यूब पे लगा कि बहुत टाइम जाएगा मेरा, मैं कुछ ना ज्यादा कवर नहीं कवर कर लूंगा अपने कम टाइम। यूट्यूब से सर अगर मतलब लेक्चर देखे हैं तो हम थ्योरी क्लास और कांसेप्ट का वीडियो देखते हैं सर। अच्छा अच्छा, कि कहां पे कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। यस सर, यस सर। तो मेंस की प्रिपरेशन कैसे करी फिर? मेंस के लिए सर आपका कब से स्टार्ट किया मेंस का प्रिपरेशन? सर मेंस का पहला बैच आपका आया था लगभग 2 दिसंबर से अनाउंस किए थे कि चालू होगा, वो 6 दिन बाद चालू हुआ, लगभग 8-10 दिसंबर से चालू हुआ सर, उसको पहले दिन से और अंतिम दिन तक एकदम पूरा फॉलो किया मैंने। आप बोले थे कि 80% मैंने कंप्लीट किया था, तो हाँ बता रहे हैं सर। एक्चुअली सर मतलब ना 8-10 घंटा पढ़ा रहे थे आप लोग सर, 4 घंटा आप पढ़ा रहे थे और 4-5 घंटा सौरभ सर पढ़ा रहे थे, तो होता ये था कि जैसे पढ़ रहे हैं और कभी सर कुछ मान लीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं कुछ डाउट फंस गया, तो हम वीडियो को रोक के फिर उसको बैक करके देखते थे, तो अब 10 घंटा पढ़ा जा रहा था, पता चला कि हम दिन में 8 ही घंटा कवर किए, तो अगले दिन सर हम लाइव के चक्कर में नहीं पढ़ते थे, हम जहाँ से खत्म हुआ है वहीं से स्टार्ट करते थे। तो इस तरह करते करते जैसे आप लोग जैसे सर जैसे आपका सिलेबस जैसे जो हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी लोगों का सिलेबस खत्म हुआ उसके 10 दिन बाद जाके मेरा खत्म हुआ,
मतलब समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं सर। हाँ। जैसे आज आपका खत्म हुआ तो हम चूंकि तो पीछे से हम लगातार पढ़ रहे थे, डाउट हुआ तो हम बैक करके देखते थे, हम कमेंट मतलब बस एक बार प्रणाम का करते थे, उसके बाद हम बीच में पूछते नहीं थे सर। तो फिर उसके बाद जब खत्म हुआ और उसके बाद सर जितना नोट्स हम बनाए थे सभी नोट्स अच्छे से बनाए हैं सवाल का, उसको फिर जब टाइम खत्म हो गया मेरा उस सवाल सभी सवाल को लगाए सर। तो कितनी बार रिवीजन किया तुमने मेंस वाला? दो दो बार सर, दो बार, दो बार। एक बार सर आपके साथ पूरा लगाए हैं अच्छी तरह से और दूसरी बार अपने से लगाए हैं। उसके बाद सर ना हम प्रीवियस ईयर सर बुक से नहीं लगाए थे मतलब, तो फिर लड़के हम लड़के से बात कर रहे थे मतलब लड़के जो भी मेंस वाले थे तो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर सर हम सब्जेक्ट वाइज लगाते थे सर, सब तो पढ़ लिए थे आपसे, बस देखते जाते थे मतलब 5 घंटा में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता था। तो ऐसा सर मतलब अंत में ऐसा लगा जैसे जब 10 दिन बच गया था तो सर ऐसा लग रहा था कि हमको आज सब कुछ रहा है बस सबको मतलब समेटना है मतलब इतना सर कंडेंस किया था सर। अब जैसे और फिर आप एग्जाम देने गए एग्जाम वाले डे, तो जब वहां से बाहर निकले होंगे तो ये लगा कि हाँ अब हो जाएगा, मेरा लग रहा है कि मैं इस बार अच्छा करके आया हूँ। सर जैसे एग्जाम जब हम देने देने से पहले ही सर हमको ऐसा लगा मतलब देने से पहले हमको ये लगा ना कि हमारी तैयारी ठीक है, और जब एग्जाम दे के आए तो सर सर मतलब एकदम सच 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 बता रहे हैं कि हमको ये श्योर नहीं थे क्योंकि पहली बार दिए थे कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन इतना सर मैं एकदम श्योर था और अपने दोस्तों से ये बोला कि मेरा सिलेक्शन हो चाहे ना हो लेकिन जो 3,000 का बैच मैंने लिया है वो बहुत काम करेगा, मतलब वो मेरा पैसा का एक पैसा भी व्यर्थ नहीं गया है। और सर ऐसा लग रहा था ना कि मतलब 2 महीना में 3 महीना हम पढ़े हैं सर मतलब मेंस के बैच में मेरा नॉलेज 50% सर इंक्रीज हुआ है। हाँ सर, तो ये लगा कि यदि मैं ढंग से पढ़ लेता तो और अच्छा हो सकता था मुझसे, यदि मैं कवर कर लेता ढंग से और भी ज्यादा चीजें। सर जब तक रिजल्ट नहीं आया था मतलब तब तक तो मतलब सच बता रहे हैं तो हम तो चाह रहे थे कि BRO भी मिल जाए क्योंकि हम बहुत सर मतलब लेट हो रहा था मेरा, 7 साल हो गया, परेशान भी हो गए थे, लेकिन सर मतलब MES मिला है तो अब ऐसा लग रहा है कि अगर सर हम जितना सर मतलब आप लोग बताए थे अगर उतना अगर करते मतलब और 20% हम मेहनत यदि करते तो CPWD सर से और मिल जाता, कमी सर मुझ में है मतलब 20% सर हम मतलब वही थोड़ा नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, वो इस बार कर लेना। हाँ सर इस बार करना है और इस बार ये अच्छा हो गया है 24 वाले से कि सीट खराब नहीं हुआ, केवल CPWD के लिए करना है, रैंक अच्छा लाना है सर इस बार। तो अब मुझे आपसे क्वेश्चन ये पूछना है कि जैसे सिलेबस का कोई एक इशू रहता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, जैसे आपने बोला कि हम टेस्ट नहीं दिया इसलिए सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आपको अब जैसे आपका नंबर आया तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि जहां जितना कंप्लीट हुआ है वहां से टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो? बिल्कुल सर, टेस्ट सीरीज अब ये समझ में आ गया है कि टेस्ट सीरीज तैयारी हो चाहे ना हो टेस्ट एकदम समय से देना है, हमेशा देना है क्योंकि लास्ट टेस्ट के दिन ही मतलब कि मतलब मेरा तैयारी कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अगर सोचेंगे कि पूरा सिलेबस तैयार कर ले तो वो दिन कभी आएगा ही नहीं, और अंत में परीक्षा के दिन जाकर फ्रस्ट्रेशन होगा कि टेस्ट नहीं दिए। तो टेस्ट देने बहुत जरूरी है। दूसरा मुझे आपसे ये पूछना था कि टेक्निकल में ना कॉन्फिडेंस नहीं आता बच्चों को बहुत ज़्यादा, कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं कैसे कंप्लीट करें, उनको कैसे रिवाइज करें, तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने? यस सर, हाँ सर टेक्निकल के 60 नोट्स बनाए थे। मेन सबसे सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, और एग्जाम से 10 दिन पहले उससे भी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि हम रिवाइज कितना थियरी का कर ले रहे हैं सर, क्योंकि सबसे मेन है कि अंदर से लगे, बस अंदर से अगर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा तैयारी है तो वहां पे जाके सर हम कठिन क्वेश्चन को भी ना आने वाले क्वेश्चन को भी हम सही कर सकते हैं, और अंदर से लग गया कि हमारा तैयारी नहीं है या हम सॉइल मैकेनिक्स करके नहीं गए हैं तो वहां पे सर इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। हाँ मतलब मेन कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस का खेल है, यदि प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। हाँ और नोट्स नोट्स अपने नोट्स के साथ साथ एक समरी वाला नोट्स होना चाहिए ताकि एग्जाम के टाइम से 2 दिन में पूरा हम 14 विषय अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और जैसे क्या होता है ना कि जैसे अपनी हेल्थ को लेकर रहते हैं बहुत सारे लोग कि हमें ना 10,000 स्टेप्स पूरे करने हुए हैं एक दिन के अंदर, हम अपना जो डेली टारगेट है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। एक होता है ना डेली टारगेट होता है, जैसे मैं जिम जिम ज्वाइन कर रखा है मैंने, तो मैं जिम जाऊँगा तो मेरा डेली टारगेट है कि मुझे ज्वाइन करना है या नहीं करना है, मुझे करना है प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी है। ऐसे ही जब आप पढ़ाई करते हैं उस टाइम पर आपके डेली टारगेट होते हैं कुछ कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, तो आपने कुछ ऐसे टारगेट बनाए थे अपने कि मुझे डेली ये काम करना है? सर हम
वीकली का रेट लेके सर करते थे, जैसे कि इस हफ्ते में हमको सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट कर लेना है, उसको थियरी रिवाइज करके ऑब्जेक्टिव पूरा लगा लेना है, अगले हफ्ते में ये कर लेना है, तो सर 7 दिन का प्लान लेके हम चलते थे। अगर मान लीजिए एक दिन मेरा किसी दिन कम भी हुआ तो अगले दिन मेकअप करना है, मतलब किसी तरह से संडे को जाके तो किसी भी तरह उसको पूरा कंप्लीट करना है। 7 दिन का सर सब्जेक्ट लिया, 7 दिन का पूरा टारगेट बना के चला के ऐसा करना। वैसे मेंस में तो आपको टाइम मिला नहीं होगा बिल्कुल भी, तो आप भी कभी परेशान हुए कि 10 घंटे क्लास चल रही है, हमें सेल्फ स्टडी टाइम नहीं मिल रहा, सर क्या ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ कभी फील हुआ बैच के टाइम के बीच में? मतलब सर मेंस की क्लास में हम सर आंख बंद करके भरोसा किए थे सर आप लोगों से, मतलब 1% मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम जो भी मतलब लड़के थे वो बोले थे कि विश्वास करो ट्रस्ट है। और सर 1 महीना पढ़ने के बाद, मतलब 1 महीना हम लोग क्लास चला था लगभग 28-29 दिसंबर के करीब, उस टाइम तक सर मतलब हम लोगों का सिलेबस इतना आगे था कि अदर कोचिंग वाले बच्चे भी मतलब एक भी सब्जेक्ट दो पर सब्जेक्ट में थे, हम लोगों का लगभग 3-4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका था। और जब जब सर 18 जनवरी को रिजल्ट आया तो हम लोगों का लगभग 70% सिलेबस खत्म हो चुका था सर कोचिंग में। तो एक अलग से हम मतलब हमारे कोचिंग में मतलब जितने भी बच्चे थे, मैं सभी का कहूंगा कि हम लोगों का अलग कॉन्फिडेंस था कि हम लोग और लड़कों से बहुत आगे हैं सर। ये क्योंकि बहुत क्योंकि आपके पास ना पूरा 1 महीना बचा था अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए। और ये भी सर मतलब एक चीज कहूंगा बच्चों से कि किसी भी टीचर से पढ़िए, टीचर पे सर आंख बंद करके भरोसा करिए। हाँ नहीं, विश्वास नहीं होगा तो फिर सीख नहीं पाओगे वहां से। यस सर, मतलब में सर हमारा यही था कि हमको एक एक अक्षर बाहर से नहीं पढ़ना है, जितना सर पढ़ाएंगे उसी को बहुत अच्छे से करना है, सर उसको भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाए थे। चलो कोई नहीं, इस बार अच्छे से कर लेना। दूसरा ये होता है कि जो स्टडी आप करते थे वो रात का स्केड्यूल बनाते थे या दिन में? एक होता है ना कि दिन में बच्चा पढ़ता है फिर रात में पढ़ता है। सर दिन में तो आप लोग क्लास था, दिन भर होता था, 9 बजे से हम लोग जनरली पूछ रहा हूँ मैं, जनरली सर रात को पढ़ते थे 12-1 बजे रात को पढ़ते, दिन में सोते थे रात को पढ़ते। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब और... नहीं, हमें हमारा हम कंफर्टेबल है रात को पढ़ने में। हाँ रात को सर 12-1 बजे तक पढ़ते थे और सुबह 7-8 बजे तक सोते। और सुबह डांट भी रोज सुनते थे। अच्छा तो मम्मी खुश हैं? पापा रोज डांट। मम्मी पापा खुश हैं? हाँ सर मम्मी पापा बहुत बहुत खुश हैं सर, मतलब वो लोग भी मतलब एक तरह से मतलब एक अंदर से उम्मीद अब खो गया था कि लग रहा है कि अब लड़का खेती करेगा। हम फार्मर फैमिली से हैं सर, तो और पिताजी हमारे फार्मर हैं। आज किसानों की स्थिति सर बहुत खराब है, बहुत मतलब इनकम 0 के बराबर है, तो लग रहा था कि मतलब अब वो लोग भी मतलब परेशान हो गए थे कि लगेगा नहीं लड़केगा, लेकिन सर मेहनत कर रहे थे। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि हमारे फादर मदर है ना हमको कुछ कह रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ना उनकी मजबूरी क्या है ना, वो 10 लोगों से मिलते हैं बाहर और सब अपने अपने बच्चों में डिस्कस करते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो वो क्या बताएंगे, हम 7 साल से हमारा बेटा घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो वो डिमोटिवेशन घर में दिखता है फिर कि भाई कर ले कुछ, ये कर ले, तो उनकी गलती नहीं है लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है। सबसे मेन सर योगदान मैं पिताजी को देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बार ये नहीं बोला कि अब तुम मतलब शादी भी हो चुकी है मेरी एक बेटी भी है। अच्छा अच्छा, तो इस मतलब एक भी बार मतलब पिताजी नहीं बोले कि मतलब काम करो तुम। हाँ बस उनका ये था कि सिलेक्शन ले लो, अपना लाइफ सेट कर लो। नहीं ये तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि देखो शादी भी हो जाती है ना जब आदमी की, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि सामने वाला जो बंदा आ रहा है वो तुम्हारे भरोसे है, वो तुम्हारे लिए आ रहा है। सर मेरे साथ एक और दिक्कत हुआ सर, क्योंकि जैसे 18 जनवरी को हम लोग का रिजल्ट आया और उसी टाइम एग्जाम का डेट आ गया था कि 26 फरवरी का एग्जाम होगा, तो और सर मेरी बेटी मतलब मेरी वाइफ का डिलीवरी 28 जनवरी को हुआ था इसी में। हाँ। तो उसमें सर 15 दिन मतलब पूरा मैं डिस्टर्ब रहा, हॉस्पिटल जाना आना थोड़ा केयरिंग, तो इस वजह से थोड़ा वो भी मतलब थोड़ा एक जो आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाया या फिर नहीं कर कंप्लीट कर पाया उसका मेन कारण भी यही था। 15 दिन सर थोड़ा हम डिस्टर्ब थे, मतलब कुल मिला के ये है कि देखो बहाने बहुत सारे हैं बनाने के लिए कि तुम बना लो बहाने की हमारा नंबर इसलिए नहीं आया, कट ऑफ बढ़ गई है, कॉपी अच्छी चेक नहीं होती है। एक होता है कितनी कंडीशन क्रिटिकल हो जाए घर में या कहीं भी अपने आप से, यदि तुम्हारा नंबर आना है तो आके रहेगा यदि तुमने अच्छे से मेहनत करी है। सर मेरी बेटी हुई थी और लगभग 3 दिन हुआ था, तो 3 दिन उस टाइम मतलब थोड़ा हम चूंकि अकेले भाई हैं मतलब तो देखना भी पड़ता था, केयर भी करना पड़ता था, और उस टाइम सर हम रात को 3-3 बजे तक मतलब पढ़ते थे, मतलब मेंस के टाइम सर 3 बजे तक पढ़ते थे,
ताकि और उसके बाद सुबह 10 बजे तक सोते थे 11 बजे तक। तो मतलब ऐसा लगता था ना एक मतलब मेंस में तो सर नशा हो गया था कि सिलेक्शन हो चाहे ना हो मेहनत बहुत करना है, और सर मतलब अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत मेंस में किया हूँ सर, मतलब अच्छा, चलो तो बढ़िया है। मतलब ये होता है ना, बच्चे ये बोलते हैं कि एक सही डायरेक्ट टाइम पे सही चीज मिल जाती है ना तो चीजें आसान हो जाती यस है। सर। हाँ कि जैसे आपने मेंस का पहले आपने नई कोर्स कहीं पढ़ा होगा, मेंस का आपने यहाँ पढ़ा, मेंस नहीं का सर। एक सही डायरेक्शन मिल गई, हाँ प्रैक्टिस कर ली, नंबर आ गया, है ना, हाँ वो चीजें हैं। मतलब सर शिकायत ये नहीं है ना मतलब हमको खुद से कि हमने मेहनत नहीं किया, सिलेक्शन नहीं भी होता तो भी हमको सर कोई दिक्कत नहीं, इस बार हम मेहनत करके ले लेते क्योंकि रास्ता तो हमको दिख गया था कि मतलब बहुत वो चीज नहीं है, लेकिन मतलब खुद से है कि हाँ मेहनत किए थे, मतलब अपने मेहनत से संतुष्ट थे, जो 20% कमी है सर वो 15 दिन बस वही लास्ट हुआ और कोई नहीं। अच्छा, चलो बढ़िया। कुछ बच्चों को गाइड करना चाहोगे कि आने वाले टाइम में, जैसे बच्चे का अब रिजल्ट आ गया तो आपने फिर देखा है कि जब नाम नहीं आता ना लिस्ट में, मान लो अब फाइनल लिस्ट आई है उसमें नाम नहीं आता कि हाँ हम नहीं हुए सिलेक्ट, तो वो फीलिंग बहुत बेकार होती है, उसमें फिर पढ़ने का मन नहीं करता कि क्या करें क्या नहीं करें, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें इस चीज़ के लिए। सर बस एक ही चीज कहेंगे कि जो SSC है ये नॉलेज का परीक्षा का सर मतलब है, ठीक है धैर्य का परीक्षा है सर, और अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित ही ईश्वर हमारे लिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा पोस्ट अच्छे रैंक से रखा है, इस बार नहीं हुआ तो हो सकता है कि कल उसी बच्चे का अंडर 3 रैंक आ जाए, CPWD मिल जाए। तो सर मेन धैर्य है, धैर्य बना के रखना है और मेहनत करते रहना है, जो भी लगा है सर। हम तो ये कह रहे हैं कि सर अगर मेरा हो गया तो हर एक बच्चे का होगा जो अच्छे से लगा है। बस अपने आप से होलिस्टिक अप्रोच पे काम करिए, ये ना कि अपने आप को गोली दे रहे हो कि हम तो पढ़ रहे हैं नंबर नहीं आ रहा, बस लगे रहो। जी सर, सर मेन लगे रहना है। भोजपुरी में सर मतलब हम लोग यहाँ कहावत है कि जे लागी ओकरे लागी, तो लगे रहना है तभी लगेगा सर, मतलब हाँ, नहीं तो वो चीज़ें। धैर्य बस नहीं छोड़ना है। और दूसरा मुझे पूछना था कि आजकल ना बच्चे बहुत लोड लेते हैं आसपास का, आसपास के लोग रहते हैं वो तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं कि लाइब्रेरी जा रहा है, अच्छा कब तक पढ़ता रहेगा तू, ये बनेंगे बैलिस्टर, ये ऐसा, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुमने तो बहुत सब चीज़ झेली हैं, तो कैसे टैकल करते हो हाँ किया उनको उन सबको। सर पूरा फोकस अपने पे करना है, तो एकदम हर 100 में एकदम 98% फोकस अपने पे करना है, और जो 2% अगर दिमाग डाइवर्ट हो रहा है तो बस अपने मम्मी पापा को देखना है, इसके अलावा कोई क्या कह रहा है कहने दे, क्योंकि सर रिजल्ट आने पे सभी का बोली मतलब चेंज हो जा रहा है सर। हाँ मतलब हम तो सर मतलब इतना ज्यादा झेले हैं कि सर मतलब मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मतलब अब लोगों के देखने का तरीका भी बदल गया है सर, मतलब हाँ बात करने का क्योंकि तरीका। हम मतलब सर ड्राइवर पे हैं तो हम गाय खिलाते हैं, मतलब गोबर वोबर सर फेंकने जाते हैं खेत में, तो लोग कहते थे कि बस अब पढ़ ले लेना गोबर फेंक, यहाँ नहीं अब इनका नौकरी वोकरी ना लगे सर, आज भी मतलब लेके जाते हैं, आज भी गए थे गोबर फेंकने, तो अब सब मतलब चेंज हो गया है, मतलब कि लड़का मेहनत किया है खेती भी करता है काम भी करता है लेकिन सिलेक्शन ले लिया, तो वही है सर मतलब। वही चीज़ ना, लोग तो जैसा तुम चाहोगे वैसा देखेंगे लोग, आप यदि अच्छे बन हाँ जाओगे सर तो तुम्हें अच्छी तरफ देखेंगे, बुरे बनोगे तो बुरे की तरफ देखेंगे, नहीं हो रहा तो फिर आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो काम है उनका ये सब। अगर अगर सर हम बाहर से रह के तैयारी कर रहे हैं तो पूरा 100% अपने पे दें, और अगर कोई बच्चा अगर घर से तैयारी कर रहा है तो मतलब अपने मम्मी पापा के काम में जरूर हाथ बटाए, क्योंकि काम करने सर पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगा, 1-2 घंटा है हाँ हाँ ये भी बहुत बड़ी बात है, बच्चों को लगता है कि हमारा टाइम डिस्टर्ब हो रहा है इस चीज़ में। सर, क्योंकि काम करने के बाद लगता है कि मतलब सर मतलब सबसे आसान काम है पढ़ाई, सच्चाई यही है मतलब मतलब ये है कि यदि यस तुम काम भी करो ना साथ में तो तुम्हारे दिमाग ना खाली रहेगा हमेशा, ये वो नहीं है कि सर 10 चीज़ों में, मान लो तुम पूरे दिन 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 14 घंटे पढ़ रहे हैं, तो दिमाग में ना हमेशा नेगेटिविटी रहेगी, नहीं हुआ क्या हुआ, और जब तुम्हारे पास टाइम कम होगा तो तुम बस सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे, तुम्हें ध्यान नहीं देना कुछ क्या है। यस सर अच्छा, तो काफ़ी अच्छा तुमसे बात करके। ये पूछा था तुमसे कि सोशल मीडिया पे हो तुम। सर फेसबुक पे हैं, लेकिन सर 1 साल से फेसबुक मेरा अनइंस्टॉल था, 10 दिन से फिर चालू किए हैं, अच्छा, तो मतलब एक कैसे साल से कैसे मतलब गायब बचाना सर, बचना है आजकल, क्या ना कि शॉर्ट्स का जमाना है, इंस्टाग्राम मोबाइल से गायब कर दिए थे, अनइंस्टॉल कर दिए थे सर मोबाइल से ही। फेसबुक इंस्टाग्राम हम चलाने नहीं आता है सर, इंस्टाग्राम आता ही नहीं है और फेसबुक एक केवल चलाते हैं, तो 1 साल से उसको मोबाइल से हटा दिए थे, और एक यूट्यूब है तो सर उसे तो पढ़ना ही है, वो तो हटा नहीं सकते हैं।
और एप्लीकेशन है आप कोचिंग का, और कुछ नहीं सर। चलो ये तो अच्छा। और अब क्या प्लान है लाइफ में आगे? सर अब एक बार सर मतलब टेक्निकल अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इच्छा है अच्छे रैंक मतलब रैंक लाना सर, मतलब मेरा इस बार टारगेट है। अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ अब और अच्छे से खर्च किया जा सकता है। हाँ, और सब लोग बोल रहे हैं कि एमएस अच्छा डिपार्टमेंट है, पढ़ने का टाइम मिलेगा, तो इस बार सर एसएससी देंगे और डबल मेहनत से देंगे, और उसके बाद सर यूपीएससी देंगे, मतलब इसके बाद यूपीएससी देना है सर। हाँ, इसको बंद छोटे टारगेट डिसाइड कर लो, फिर बड़े पे जाना एकदम, कि ये हमने अच्छे से कर लिया, अब आगे देखते हैं क्या करना है हाँ ना। सर, तो अविनीश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत संघर्ष लाए लाइफ लाइफ में कि एकदम से नहीं मिली सफलता, कि एकदम से ऐसे बजाया एकदम मिल गई सफलता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारा टाइम लगा है, बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारे इमोशन है उन चीज़ों को लेके, यस पर सर। अच्छा लगता है कि लास्ट में। हाँ बोलिए। सर जो हमको देखा है वो ये नहीं कह सकता है कि इसका लक अच्छा है या इसका भाग्य अच्छा है, नौकरी पा गया सर, मतलब जो हमको देखा है वो यही कहेगा कि मेहनत मेहनत किया है लड़का, क्योंकि सर संघर्ष बहुत, रास्ता बहुत कठिन था। नहीं, पर लेकिन तुम, मुझे हमेशा पॉजिटिव फीलिंग आई है तुमसे जब भी तुम बैच के अंदर आए हो, कि हाँ एक लड़का है कुछ यूनिक सा लिख के जाता है हर बार बैच के अंदर। सर उस टाइम मेरा इच्छा था, मतलब दिल से हम बता रहे हैं कि हम कुछ ऐसे तरीके से लिखे कि सर हमको जाने, सभी लड़के हमको जाने, और सर मेरा इच्छा था कि मतलब हम अच्छा अच्छे नंबर से अच्छा डिपार्टमेंट ले और मेरा इंटरव्यू हो, और ईश्वर के कृपा से सर वो दिन आ गया। मतलब हम लोगों के ग्रुप में 250 लड़के थे, सभी लड़के हमको जानते हैं, हम कुछ भी आज भी लिखेंगे तो लड़के मतलब बोलते हैं कि अवनीश भाई बलिया वाले वो सर। क्लास में तो आप सबसे ज्यादा, मतलब अलग अलग लगता था एकदम, कि यस सर, कुछ है, मतलब पॉजिटिव फीलिंग मिलती थी। कभी ये नहीं मिला कि, देखो क्या होता ना, हम जैसा प्रिटेंड करते हैं वैसे सोचता है आदमी कैसा है, पीछे की कहानी हम ही जानते हैं ना कि हमने क्या झेला है, क्या यस किया है। बट सही है, मतलब ये है कि हम पॉजिटिविटी देंगे तो लोगों में पॉजिटिविटी रहेगी, मुझे ये लगता है, यस सर, तुमसे बात करके। और ये यस है सर, कि ये भी लगा कि एक, अभी जब मैं तुमसे तुम्हारा इंटरव्यू नहीं किया था ना, मुझे लगता था कि एक चुलबुला लड़का है, चुलबुला सा है वो लड़का, कि हमेशा हंसी मजाक करता रहता है ऐसा। बट अब तुमसे बात करिए तो अब लग रहा है कि हाँ, एक पर्सनालिटी है जो दिखती चुलबुली है लेकिन सीरियस है अपनी लाइफ को यस लेके, सर, अपने गोल को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, और क्लियर है, यस क्रिस्टल सर, क्लियर है अपनी फैमिली को लेके, अपने गोल को लेके, कि हाँ ये करना है, ऐसे करना है, कितना करना है वो मुझे पता है कितना करना है। तो यस वो सर, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और जो बच्चे हैं उनसे मैं ये बोलूंगा कि भाई सीखो, ये मत सोचो कि डीमोटिवेट हो गया बच्चे की, एक बार में नंबर नहीं आया तो अब क्या होगा हमारा, हम क्या करें क्या नहीं करें। लगना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ लगना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप नंबर आ जाएगा आपका। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एग्जाम निकलने अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं यदि आप लगे रहो टाइम से। सर मेहनत मेहनत यदि हम यदि अपना 100% देंगे, तो जब हमारा तैयारी कंप्लीट हो जाएगा तो सर मतलब ऐसे नौकरी लगेगा कि हमको पता नहीं चलेगा, मतलब फोन करके दोस्त बताएगा तुम्हारा हो गया। तो वो वाली फीलिंग अलग ही होती है। और यस सर, मतलब अच्छा लगा ऐसे ही आपसे हुआ बात मेरा करके। सर। सौरभ सर के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? सौरभ सर के बारे में? सर मतलब सौरभ सर से मतलब मैं मतलब शब्द सर नहीं है, मतलब आपसे सर, मतलब आपका एक मतलब अच्छा सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स था, बाकी तो सब थियरी था सर, लेकिन सौरभ सर से 4 विषय पढ़े हैं, आरसीसी पढ़े हैं, सोम पढ़े हैं, हाइड्रोलिक्स पढ़े हैं और स्टील पढ़े हैं। हाइड्रोलिक मशीन में सर मतलब मान के चलिए ना कि मतलब 80% मेरा नॉलेज मतलब 100 से 180 मतलब हुआ है, मतलब बहुत मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं सर, मतलब बच्चों का मतलब डाउट उठने ही नहीं देते हैं मतलब क्लास में सर, बहुत मतलब और बहुत हंसते नहीं अच्छे। कभी भी हाँ क्लास में, कभी नहीं हंसते हो। हाँ सर, मतलब मेरा मेरा एकदम इच्छा है सर, और मतलब ईश्वर करे कि पूरा हो, मतलब आप लोगों के साथ साथ में फोटो खिंचवाना और सर मतलब पैर छू के जरूर मिलेंगे, हम मतलब मीट कर रहे हैं एक जो बच्चे बिल्कुल। सेलेक्ट होंगे उनके साथ, हाँ उनके लिए जल्दी आपको बुलाया जाएगा और वहीं मिलेंगे। सोच रहे अब आ गए क्योंकि हैं, सर अब बहुत दोबारा से क्लास फायदा स्टार्ट हुआ है होगी, सर मतलब। सोच रहे क्लास दोबारा से हाँ स्टार्ट सर, होगी यूट्यूब पे भी और बैच के अंदर भी, अब वो यहीं आ गए हैं, उनके ट्रांसफर यहीं हो गया है, तो अब वो रेगुलर पढ़ाएंगे। सौरभ सर पहले दिन की क्लास में मतलब पहले दिन सर हमको लगा कि सर मतलब थोड़ा वो है सेंसियर, मतलब वो उतना अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन सर मतलब पूरा क्लास उनका मतलब मूवी जैसा चला है, मतलब फिल्म में आदमी सोचता है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बहुत अच्छा लगा सर। हाँ नहीं, हम दोनों की जोड़ी और है, आपको हम ये मानते हैं कि बहुत दोनों की जोड़ी है ना, इसलिए चलती है, अकेला बंदा नहीं कर पाएगा, दोनों की जोड़ी है,
उसकी वजह से ही हम अच्छा कर पाते हैं। सर आपके भी सर सॉइल मैकेनिक्स में जो लास्ट वाला पोर्शन है, क्योंकि तो शुरू के 4-5 चैप्टर तो हर लड़के का तैयार होता है, लास्ट वाला सर दिक्कत मतलब बहुत करता था हमको, और मेंस में सर पढ़े हैं और अब सर सॉइल मैकेनिक्स का जैसे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लगाते हैं तो सर बहुत इजीली हो जाता है। मतलब मेंस की क्लास करने से सर प्री का भी तैयारी बहुत ज्यादा बूस्टअप हुआ है। चलो अनिश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बच्चे कोई डाउट आएंगे तो इस वीडियो के नीचे तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा, आपसे दोबारा डिस्कस किया जाएगा कि भाई इनको दिक्कत ये आ रही है, आपके जूनियर है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको बताना है कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। जरूर सर, जरूर। और जो बच्चे देख रहे हैं इनसे सीखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए रोजाना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय, ठीक है भाई।